दोस्तों कला हिंदुस्तान के हर कोने हर गली में आपको मिल जाएगी। सामने की तरफ आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा मट्टी का आपको ढेर नजर आएगा, लेकिन इस पे एक जो खूबसूरत उकरी हुई कलाकारी है ये देखकर आप दंग ही रह जाएंगे। हमारे साथ गौरी जी हैं जिन्होंने ये कलाकारी दिखाई है, अब इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस सारी इस थीम के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार गौरी जी, थोड़ा सा बताइए इनके बारे में, ये कला क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? मुझे बचपन से आर्ट पसंद था, पापा का फैक्ट्री था इसलिए वो मैकेनिकल पढ़ाया और बाद में मैं उसको छोड़कर अभी मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स फिनिश कर दिया। फर्स्ट आने के टाइम में ये प्रथम पूज्य गणेश जी का स्कल्पचर है, ये एक्चुअली दगड़ू सेठ गणेश जी पुणे महाराष्ट्र का गणेश है, इसलिए मैं उसको चूज किया। ये जो मिट्टी है जो आप इसमें यूज करती हैं कहाँ से आती है? ये नॉर्मल रिवर सैंड है। जैसे आप मिट्टी ले आए, मिट्टी लाने के बाद प्रोसीजर वही होता है, बस आपको पीसते हैं उसको और बस तैयार करते हो। सीव करना है और स्टोन जो बहुत बारीक होती है उसको निकाल लेते हो, स्टोन बाहर निकाल लेते हो। काफी बारीकी आपने दिखाई गई है, जैसे यहाँ पर गणेश जी के लड्डू भी रखे हुए हैं और लाइक पैर और नाखून, एक एक चीज को बड़ी बाखूबी और बारीकी से आपने दर्शाया गया है और बहुत सारे यहाँ पर डिजाइन बनाए हुए हैं, उनको भी समझ लेते हैं। दैट इज द बुद्धा। ओके, अच्छा ये यहाँ मैसूर में बड़ा फेमस है, मैंने हर जगह देखा है, हर दीवार पे और बहुत सारी जगहों पे। ये क्या चीज है, इसके बारे में? ये एवरी ईयर लाइक टोटली लाइक थ्री एलिफेंट्स रहता है, लाइक एक मेन मेल है और ये लेफ्ट एंड राइट में फीमेल रहता है रास्ते पे चलने के लिए, और ये सब वो ओल्ड एज का साथ देते हैं उनका चलने के लिए। ये जितनी भी आपने यहाँ पर बारीकी यहाँ पर दिखाई गई है, एक एक चीज फेस को बड़ा बखूबी तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है, डिजाइन को ऊपर से बनाना शुरू करती है और नीचे तक बनाते हुए लाती है। नेक्स्ट वन प्लीज। ये ज़ोडियक व्हील है, सेंटर में वर्ल्ड है, सो लाइक हमारा सब लोगों का एक्चुअली राशि में चल रहा है, लाइक मतलब ये चारों तरफ ये अपनी हमारी 12 राशि होंगी और बीच में ये पूरा दुनिया है, एक तरीके से दुनिया चारों तरफ इसके ऊपर चल रहा है। दिस इज द कृष्ण अर्जुन चैरियट, लाइक भगवत गीता में गीतोपदेश कर कृष्णा गीतोपदेश करने के बाद अर्जुन बो एंड एरो को लेके अभी वॉर को चल रहे, लाइक शुरुआत कर रहे हैं। पूरा 3D बनाया हुआ है इसको, चारों तरफ से देख सकते हैं, जैसे इस साइड में रथ के व्हील है, है ना, साइड व्यू है। ये बच्चों का फेवरेट है, डिज्नी टॉम एंड जेरी, बक्स बनी एंड मिकी माउस। हाँ, थोड़ा बच्चों के लिए भी, यानी कि हर उम्र के लोगों के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ बनाया गया और इवन हर धर्म के लोगों के लिए कह सकते हैं। तो आपने ये मोदी जी की एक बनाई हुई है यहाँ पर। ओके, तो ये चेंज होती रहती है क्या? इधर चेंज होता रहता है, लाइक अभी मोदी जी का है और नेक्स्ट गणेश चतुर्थी के लिए गणेश का बनाता है। ओके ओके, ये इवेंट्स करंट इवेंट्स के लिए। अच्छा मैम, इसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है या कितने दिन में आपको इसको मतलब देखभाल के लिए क्या करना होता है? लाइक एवरी वीक हम मेंटेन करना पड़ेगा, लाइक जब वो बारिश गिरता है सब साइड में सब डैमेज होता है और वो जब सैंड थोड़ा गीला होता है उस टाइम वो वैस्प आता है और एंट्स भी आता है वो रूम लाइक हाउस करने के लिए, चींटियां सब सैंड को निकालता है, उसको खाने के लिए लाइक रैट्स आता है, रैट्स को करने के लिए कैट्स आता है। सो जब वो ऊपर कूदता है सब बहुत स्कल्पचर्स डैमेज होता है, तो उसको हम फिर उसको गीला करके करना पड़ेगा, वही सेम सैंड को यूज करके आप उसको मेंटेन करते हैं, सेम सैंड को यूज करके वो डिजाइन जहाँ पे क्रैक्स हुआ है वो सब फिल करना है। अच्छा, क्योंकि ये आउटडोर है तो ज्यादा मेंटेनेंस होता रहता है, इंडोर है तो इतना जरूरत नहीं होता। एक्चुअली ये 3D फोटोज के जैसा है, अच्छा लाइक अभी एक पेंटिंग के जैसा दिखता है जब आप सामने खड़ा होता है, लाइक 3D होता है थोड़ा सा, जैसे हम क्लोज में जाएंगे ओके के सामने खड़ा 3D लगेगा, हम पैलेस के सामने खड़ा है जैसा। ओके, और ऐसे ये कार के आगे भी अगर ऐसे खड़े होंगे तो भी 3D लगता है।